हम जैसे कि कमाख्या गुवाहाटी जगन्नाथपुरी तिरुपति बालाजी रामेश्वरम कन्याकुमारी द्वारका धाम बद्रीनाथ केदारनाथ वैष्णो देवी अयोध्या जी वृंदावन काशी प्रयागराज संगम मेला में जाते हैं बैजनाथ धाम जाते हैं। बुद्धि है, व्यवहार है, ये है। पढ़ाई में पढ़ाई तो करवाता है उसमें, पर समझता नहीं, सिखाता है, बोली विचार नहीं समझता है। कल ही हम आए थे तो देखिए कि अगर ये हमने मिट्टी लगाई तो देखिए हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगता है, पसीना भी नहीं लगता है। और ये सर ये मिट्टी का कीमत कह देने, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानते हो, इस मिट्टी का कीमत शायद किसी किसी को पता होगा। तो ये मिट्टी हमने लगाया है, देखिए करोड़ों की संख्या में यहाँ भीड़ है, शायद वो भगवान है इसलिए इतना भीड़ है। देखिए इतनी गर्मी में सब किस तरह से यहाँ बैठे हुए, तो शायद वो भगवान है इसलिए भीड़ है। तो ये भगवान के लिए हम तैयार हुए हैं। यहाँ पर एक संत नजर आ रहे हैं जिनको देख सकते हैं, एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में जय श्री राम। हाँ देखिए ये दुनिया में चाहे भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि है कि नहीं है? बुद्धि है, व्यवहार है, ये है। पढ़ाई में पढ़ाई तो करवाता है उसमें, पर समझता नहीं, सिखाता है, बोली विचार नहीं समझता है। कल ही हम आए थे तो देखिए कि अगर ये हमने मिट्टी लगाई तो देखिए हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगता है, पसीना भी नहीं लगता है। और ये सर ये मिट्टी का कीमत कहते ना, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानते हो, इस मिट्टी का कीमत शायद किसी किसी को पता होगा। तो ये मिट्टी हमने लगाया है और यहाँ लगा करके हम ऑल इंडिया घूमते हैं, बहुत लोग अच्छे बाबा के लिए तैयार हुए हैं कि देखिए करोड़ों की संख्या में यहाँ भीड़ है, शायद वो भगवान है इसलिए इतना भीड़ है। देखिए इतनी गर्मी में सब किस तरह से यहाँ बैठे हुए, तो शायद वो भगवान है इसलिए भीड़ है। तो ये भगवान के लिए हम तैयार हुए हैं और उनको दर्शन कर रहे हैं। घूम चुके हैं हम जैसे कि कमाख्या गुवाहाटी जगन्नाथपुरी तिरुपति बालाजी रामेश्वरम कन्याकुमारी द्वारका धाम बद्रीनाथ केदारनाथ वैष्णो देवी अयोध्या जी वृंदावन काशी प्रयागराज संगम मेला में जाते हैं बैजनाथ धाम जाते हैं, सारे घूमते हैं। हाँ ये मिट्टी में ही जाते हैं लोग, बहुत भक्त भी खुश होते हैं। देखिए कलयुग में भक्ति भगवान है, भगवान तो लीन हो गए हैं, हम आप में ही भगवान हैं। यहाँ हमारे कर्तव्य कर्म अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आए थे, बाबा का दरबार लग गया है पता है? अच्छा अभी लगा हुआ है, ये हम भी रेडी होकर के जा रहे वहीं कि किसी तरह से हमारा भी हमारा भक्त। अच्छा कैसा लग रहा है कि दरबार नहीं लगना था लेकिन अब लग गया है, अभी तो कैसा लग रहा है? देखिए ये तो बाबा का कृपा है कि इतने भीड़ में भी ना लग के भी लग गया है, ये उनकी कृपा है। और हो सकता है जो हमारे इतने भक्तों में जो सबसे ज्यादा दुखियारी हो उनका भगवान कष्ट हर ले, बाकी सब नंबर लगाए। नाम क्या हुआ और कहां से आए हैं? हम टुनटुन दास जी महाराज मिथिला नगरी से आए हैं, सीतामढ़ी जिला से। कितने लोग हैं आपके साथ? हम दो जन आए हैं महाराज। आपका नाम क्या बाबा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो देखे आपने ये संत है, यहाँ पर एक अलग ही साधना है इनका, मिट्टी से लिप्त